हेलो दोस्तों, मैं चंदन रॉय, स्वागत है सबका चंदन किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे चिकन की एक बहुत ही शानदार रेसिपी। ये रेसिपी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। चलिए देखते हैं कि ये रेसिपी कैसे बना है। पूरा वीडियो देखिएगा, आप भी बना सकते हैं ज़रूर। सबसे पहले मसाले में से हमने लिए हैं जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन और 5-6 मिर्च। सबसे पहले जिस डिश में आप खाना पकाओगे उस डिश को बहुत ज़्यादा गर्म कर ले, फिर सरसों तेल डाल ले। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। फिर यहाँ पे जो गरम मसाला है, गरम मसाला यहाँ पे 2-4 टुकड़ा छोड़ दे। इससे होता क्या है कि इसमें फ्लेवर अच्छा होता है और खुशबू अच्छा रहता है। गरम मसाले का खुशबू तेल में फ्राई करने से पूरा महक जाता है। पूरा रेसिपी उसी गरम मसाले के फ्लेवर में रहता है। गरम मसाला फ्राई करने के बाद अब हम यहाँ पे प्याज छोड़ देंगे। मैंने यहाँ पे 3 बड़े बड़े प्याज लिए हैं। प्याज जितना ज़्यादा यूज़ करोगे तो उतना ज़्यादा ये ग्रेवी गाढ़ा बनेगी। बहुत ज़्यादा प्याज भी यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि वो चिकन थोड़ा मीठा टाइप का हो जाएगा। इसीलिए जितना ज़रूरी है उतना ही प्याज मिलाए। 500 ग्राम चिकन में मैंने यहाँ पे 3 बड़े आकार के प्याज लिए हैं। प्याज को ऐसे ही करछा चला चला के फ्राई करनी है जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। देखिए स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है सेम ऐसे ही ब्राउन होना चाहिए। अब हम जो पेस्ट किए हुए थे वो पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। जो आपको दिखाए थे ना अदरक लहसुन जीरा धनिया का पेस्ट, वही यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। पेस्ट डाल के 102 बार करछा चला लीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पे नमक और हल्दी पाउडर। मैंने एक पीस टमाटर लिए है, पहले यहाँ पे टमाटर ऐड कर देते हैं। ये टमाटर के कारण ग्रेवी भी थोड़ा ठीक बनता है, थोड़ा गाढ़ा टाइप का ग्रेवी बनता है। मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाला है और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अगर आपके पास लाल मिर्च का पाउडर हो तो वो भी डाल दीजिएगा। वो सिर्फ कलर के लिए होता है, अगर कलर मैटर करता है तो वो डाल दीजिएगा। अभी थोड़ा तेल डाल दे और तेल डालने के बाद इस मसाले को भूने जब तक कि साइड से मसाला तेल ना छोड़ दे। 7 से 8 मिनट तक इसको भूने। अगर सूख जाए तो थोड़ा पानी डाल दे, वरना आप ऐसे ही चला चला के कंटिन्यू करछा चला चला के भूनना है। हमारा यहाँ पे भूनना कंप्लीट हो गया है। टाइम लगा है तकरीबन 6 से 7 मिनट। फिर चिकन को ऐड कर ले। चिकन को ऐड करने के बाद ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक भूनना है चिकन को। जब चिकन भूनना कंप्लीट हो जाए तब थोड़ा पानी डाल के हम चिकन को बॉईल करेंगे। बॉईल ढक के बॉईल करेंगे। अगर पानी अभी नहीं डालते हैं तो चिकन चिपक से जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अभी 5 मिनट के लिए ढक देंगे, ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से बॉईल अच्छा होता है। 5 मिनट बाद हमने ढक्कन हटा लिए हैं। फिर 1/2 मिनट तक करछा चला के फिर हम इसे ढक देंगे, क्योंकि बॉईल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और भी हमें बॉईल करनी है।
सेकेंड टाइम हम फिर से 5 से 6 मिनट के लिए ढक के पकाए हैं। तो अभी थोड़ा बॉयल तो हो ही चुका है और अभी हम मसाले के साथ चिकन को भूनेंगे तो उसमें पूरा बॉयल हो जाएगा। अभी हम ढकेंगे नहीं, अभी ऐसे ही करछा चला चला के चिकन को भूनेंगे। थोड़ा बहुत बॉयल तो हो ही चुका है। दो दो बार ढक के 5 से 6 मिनट तक अगर पकाओगे तो बॉयल तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा और बाकी हम बॉयल भून के करेंगे। अभी जब पानी सूख जाए तो थोड़ा आप तेल डाल दीजिएगा। तेल डाल के इस मसाले के साथ चिकन को एकदम धीमी आंच पे भूनिएगा। धीमी आंच पे भूनने से क्या होता है कि कढ़ाई में चिकन चिपकता नहीं है। अभी हम थोड़ा पानी मिला लेंगे क्योंकि कढ़ाई में ये मसाला पूरा चिपक रहा था। अगर कढ़ाई में मसाला चिपक खसा जाएगा ना तो फिर इसका फ्लेवर कुछ ख़राब हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रहे कि कढ़ाई के साथ मसाला चिपके ना। लगभग 10 मिनट तक तो हमने इसे भून ही लिए हैं। आप देख ही सकते हैं कि पूरा पानी जो है वो पूरा सूख चुका है। चिकन का टेक्सचर देखिए गाइस, भुनना कंप्लीट हो गया है। अब हम पानी डाल देंगे, जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से पानी डालना। हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एकदम सूखा टाइप का बनाएंगे, बहुत सूखा भी नहीं, रसीला टाइप का होगा थोड़ा। आपको जितना पानी अच्छा लगे आप मिलाए, उसी हिसाब से नमक भी मिलाइएगा दोस्तों। लेकिन मैंने जो 1.5 टीस्पून नमक मिलाए हैं उस हिसाब से ये पानी ठीक है। अब हम ढककर तकरीबन 2 मिनट तक पकाएंगे, 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। दो मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा दिए हैं, ढककर पकाएंगे ना तो पानी सूखेगा नहीं। अभी ऐसे ही बिना ढक्कन के हम 1 से 1.5 मिनट तक अगर पकाएंगे तो थोड़ा पानी सूख जाएगा और ग्रेवी थोड़ा थिक टाइट हो जाएगा, ये ठीक रहेगा। अभी हम गरम मसाला मिला लेंगे। गरम मसाला मिलाने के 1 मिनट बाद चला के हम गैस को ऑफ कर देंगे। हमारा चिकन पूरा पूरी पक गया है, ग्रेवी भी बिल्कुल एकदम ठीक बना है, गाढ़ा टाइप का, और चिकन भी बॉयल हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।